ये देखे बोले कितना जल लेकर आए। बोले कहाँ से हो? नकोड़ से। नकोड़ से भैया देखिए कितना जल है, 200 लीटर जल है भाई। ये सजा रखी है सड़कें, सड़कों पर चलते हुए लग रहा है बस ऐसे ही सजी रहे सड़कें, जैसे आप शादी में जाते हो ना। और यहाँ पर देख सकते हो आप, ये कहाँ, ये देखे छोटे छोटे बच्चे भी कावड़ यात्रा में पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे। बोली कहाँ से हो, कहाँ से हो? हरियाणा से हो? अच्छा अच्छा अच्छा। बोले कहाँ से हो? जमना। कितना जल रहा है? एक कौंटा जल लेके जा रहा है बोल रहा है। देखिए रात में भी ऐसा लग रहा है जैसे उजाला हो रहा है, और जगह जगह पर शिवर लगे हुए हैं। ये देखिए एक से एक रंग बिरंगी कावड़ लेकर जाते हुए बोले अपनी मंजिल की ओर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? एक और दमदार धमाकेदार मज़ेदार वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सदाकत अली और आप देख रहे हैं सदाकत अली व्लॉग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कावड़ियों की वीडियो। सहारनपुर में कावड़ियों का कैसे स्वागत किया जा रहा है और सहारनपुर में सड़कें कैसे चंगाचौंध हो रही है। तो दोस्तों वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना, पूरा देखना, पूरा समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं, बिना देरी किए आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। जस्ट मोमेंट आफ्टर सम टाइम प्लीज ट्राई अगेन, लेट अस सो लेट्स गो स्टार्ट। बोले कहाँ से हो? पंजाब से। कितना जल रहा है? रख दो रख दो। एक कलश में कितना जल आता है? नाप कर नहीं लाए। अच्छा नाप कर लाए, क्या करोगे, सारा जल चढ़ाओगे? अच्छा जी, पंजाब से हो? किस जगह से? पटियाला जिला। अच्छा ये दोस्त है आपका? अच्छा अच्छा, पटियाले जिले से। तो बैठने की व्यवस्था कैसी है रास्ते में, कहाँ पर बैठते उठते हो? शिवर में? अच्छा अच्छा, सिवल पे रुकते हैं। ठीक ठीक ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, बोलेगी कृपा। ओके बोले, ओके बोले। वाह जी वाह, ये देखिए भाई एक दूसरे को पार्सल करते हुए और पंजाब जा रहे हैं। बताइए ये हरिद्वार से पंजाब जा रहे हैं। देखिए भाई बोला कितना जल रहा है। बोले कहाँ से हो? जमना। कितना जल रहा है? एक कौंटा जल लेकर जा रहा है बोल रहा है। देखिए वाह जी वाह, आराम से आराम से रख लो, आराम से रख लो। तो ये एक कलश में कितना जल आता है? 12 लीटर। अच्छा जी, कब चले थे हरिद्वार से? 23 तारीख को चले थे। अच्छा जी, तो प्रैक्टिस करी इसकी आपने पहले? ऐसे ही उठा लाए, प्रैक्टिस कुछ नहीं करी? अरे हिम्मत की बात है यार, है क्या करोगे इतने जल का? सब शंकर भगवान पे चढ़ाओगे? अच्छा क्या मांग रखा है? अच्छा ऐसा ही लगी सिस्टर, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। ये देखिए भाई, तो सिस्टर के नाम की कावड़ लाई इस बार है। ठीक 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 ठीक, अच्छा ट्रेनिंग पे जा रही है। ठीक ठीक, चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है भाई। ये देखिए भाई, देख सकते हो भोले के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, और जगह जगह पर शिविर लगे हुए हैं भोलों के लिए। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत और शानदार नज़ारा है। यहाँ पर भोले अपनी मस्ती में मगन चलते जा रहे हैं। वाह जी वाह, ये देख सकते हो आप, तो सड़कें कैसे चकाचौंध हो रखी है भोलों के लिए। रात में भी ऐसा लग रहा है जैसे उजाला हो रहा है, और जगह जगह पर शिविर लगे हुए हैं। ये देखिए एक से एक रंग बिरंगी कावड़ लेकर जाते हुए भोले अपनी मंजिल की ओर। वाह जी वाह, ये देख सकते हो आप, थोड़ी थोड़ी दूरी पर जाकर यहाँ पर सहारनपुर में शिविर लगे हुए भोलों के लिए, ताकि भोलों को किसी प्रकार कोई दिक्कत ना आए। और काफ़ी अच्छा व्यवस्था कर रखी है, हर जगह चप्पे चप्पे पुलिस प्रशासन है, अलर्ट है पूरी तरीके से। बोले कहाँ से हो? हरियाणा से। कितना जल रहा है? 31 लीटर। अकेले ही हो? अच्छा दो जने हैं। ठीक ठीक ठीक, वाह जी वाह, ये देखिए भाई ये बोले जाते हुए अपनी मंजिल की ओर। ओ भाई रंग बिरंगी कावड़ लेकर बोले आ रहे हैं, बच्चे बूढ़े जवान औरतें महिलाएं सभी कावड़ लेकर जा रहे हैं। देखें कितनी प्यारी प्यारी कावड़ है, देखने बड़ी खूबसूरत है।
और भाई सड़कों पर भी चकाचौंध कर रखा है, ये देख सकते हो आप, रंग बिरंगी लाइटों से सजी पड़ी है सड़क है। चलिए जी अब आगे चलते हैं और दिखाते हैं, ये देख सकते हो आप यहाँ पे जो शिविर लगे हुए हैं, वो पुलिस प्रशासन पूरी तरह के अलर्ट है, ये सामने देख सकते हो आप, ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो, काफ़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। और ये देखिए यहाँ पर सड़कें भी चकाचौंध हुई हुई है, एक साइड चला रखी है दोनों तरफ, कावड़ियों किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। सड़कों पर चलते हुए भी पूरा मन लग रहा है, क्योंकि सड़कें जो है ना दूध या रोशनी से जगमगा रही है, रंग बिरंगी लाइटों से, ये देख सकते हो आप कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, जगह जगह पर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। और बोलो जो है ना किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, मेडिकल सुविधा, खाने पीने की सुविधा, हर तरह की सुविधा उपलब्ध है, ये देख सकते हो आप कैसे रंग बिरंगी लाइटों से सड़कें जगमग हो रही है। लोग जो है ना शिविर के अलावा भी अलग से खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, ये देख के सजा रखी है सड़कें, सड़कों पर चलते हुए लग रहा है बस ऐसे ही सजी रहे सड़कें, जैसे आप शादी में जाते हो ना। और यहाँ पर देख सकते हो आप ये डांस प्रोग्राम चल रहा है बोलोग, वाह जी वाह, जगह जगह पर डीजे की व्यवस्था भी कर रखी है, जहाँ जहाँ पर शिविर लगे हुए हैं। जितनी अच्छी व्यवस्था सहारनपुर में हुई हुई है भोलों के लिए, कहीं नहीं मिलने की, आप हरियाणा में चले जाओ या उत्तराखंड में चले जाओ, इतनी अच्छी व्यवस्था कहीं नहीं मिलने की। ये देखिए भोलों के डांस प्रोग्राम को भी पूरा इंजॉय कर रहे हैं भोले, फुल आनंद उठा रहे हैं, मस्ती में मगन है भोले अब अपनी, वाह जी वाह। और जो आसपास के लोग हैं वो भी सड़कों पर आकर फुल इंजॉय कर रहे हैं, अरे वाह, एक से एक झांकी इस कांवड़ यात्रा में देखने को मिल रही है। सड़कें तो ऐसे हो रही है जैसे किसी शादी में होती है, चकाचौंध, अरे वाह। यूपी में आते ही भोलों के चेहरे पर रौनक आ जाती है, क्योंकि योगी ने पूरे मजे बांध रखे हैं भोलों के, यूपी में जरा सी भी कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती भोलों को। ये देख कितनी भोले शंकर की कावड़, बहुत बड़ा भोला बिठा रखा भाई, ये देखिए यहाँ डांस प्रोग्राम चल रहा है फुल इंजॉय करते हुए, वाह जी वाह, अरे वाह। ये देखिए भाई साहब इतनी अच्छी व्यवस्था था, जब कोई मंत्री आवे है ना तब भी नहीं होती, जैसे जगमग रोशनी से सड़कें जगमग आ रही, और जगह जगह पर शिविरों का खाने पीने का इंतजाम कर रखा है, वाह जी वाह, एक से एक झांकी, तरह तरह की झांकी मन मोह लेगी ऐसे ही झांकी देखने को मिल रही। और फुल इंजॉय करते हुए कांवड़िए मस्ती में मगन झूमते हुए नाचते हुए गाते हुए अपनी मंजिल की ओर जाते हुए, ये देखिए डांस प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे भाई साहब, इतनी अच्छी व्यवस्था कहने मिलेगी, हाथ जोड़ जोड़ कर लोग कह रहे हैं भाई एक साइड में हो चलो, ये देखिए बच्चे बूढ़े जवान। और भाई सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है यहाँ पे 9 बजे पीर के पास में जो शिविर लगा हुआ है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है, ये देख सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पर जो ना खाने पीने की नहाने धोने की हर चीज़ की सुविधा बहुत ही अच्छी तरीके से कर रखी है, और काफ़ी रौनक रहती है यहाँ पर। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, क्योंकि हम ऐसी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। तो ऐसे रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं कब कहाँ किस वक्त साथ छोड़ दे। तो फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।